उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट पर आज शिवसेना के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को प्रेषित किया है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि वर्तमान में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। रसोई गैस सिलेंडर 1000, पेट्रोल 100, सरसों का तेल 200 पार कर गया है। अधिकांश वस्तुओं पर 30% की वृद्धि कर दी गई है। इस बेतहाशा महंगाई में आम नागरिकों का जीना दुश्वार हो गया है। महंगाई व बेरोजगारी से जनता त्राही त्राही कर रही है। लोग महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी से आत्महत्या करने को विवश हो रहे हैं। तो वहीं जानकारी देते हुए शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल बुढ़िया ने कहा कि आज शिवसेना के सभी पदाधिकारी जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। सभी को ज्ञात हो कि डीजल, पेट्रोल के दाम पर, रसोई गैस सिलेंडर के दामों और रोजमर्रा की लगभग सभी चीज़ों पर 30% की वृद्धि हुई है। इसको लेकर हम डीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो शिव सैनिक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सर, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? पेट्रोल डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा, जिला प्रमुख शिवसेना मुरादाबाद। आज शिव सैनिक जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञात हो कि हाल फिलहाल में पेट्रोल के दामों पर, रसोई गैस के दामों पर, सरसों के तेल पर बेहतासा वृद्धि हुई है और लगभग दैनिक रोज़मर्रा की सभी वस्तुओं पर 30% की वृद्धि कर दी गई है। तो आज हमारा दल डीएम साहब को ज्ञापन दे रहा है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और भविष्य में अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो शिव सैनिक अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सर, क्या लगता है, सरकार तो बनी है, उसके बावजूद भी महंगाई बढ़ रही है? सरकार ने कहा था कि महंगाई कम होगी। सरकार तो आप देख ही रहे हो, जुमलेबाजी, धोखेबाजी, ये सब इस पर टिकी हुई है। अंधभक्ति पर टिकी हुई है, अंधविश्वास पर टिकी हुई है, पाखंडवाद पर टिकी हुई है। युवाओं को बरगलाया जा रहा है, बेरोजगारी पर कतई ध्यान नहीं है, महंगाई पर कतई ध्यान नहीं है, देश की तरक्की पर कतई ध्यान नहीं है। देश अधिकांश देश की जो चीज़ें हैं, जो विरासत हैं, जो कांग्रेस और अन्य सरकारों बहुत मेहनत से बनाई थी, वो सब बेची जा रही है। क्या कहना, क्या मांग करना चाहेंगे सरकार? हम तो चाहते हैं कि ये सरकार बर्खास्त हो और यूपी और अन्य जो भाजपा शासित राज्य हैं उन पर राष्ट्रपति शासन लगे।